Welcome to my channel, right? Today I will tell you how we can convert a given number in any system into gray number. Okay, it means that कि अगर कोई given number है किसी भी system में, चाहे वो hexadecimal system हो, चाहे octal system हो, चाहे decimal system हो, चाहे binary system हो, or some other system, इसको gray number में हम कैसे convert करें? Okay. तो उसके लिए हमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली हमें जो गिवन नंबर है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर में, ठीक है, एंड देन दिस बाइनरी नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रे नंबर. ओके, फर्स्टली मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी हाउ वी कैन कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू ग्रे नंबर. लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, नाउ आई विल रिकॉल यू. अगर गिवन बाइनरी नंबर है, वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन वन, ओके, ये नंबर जो है एक बाइनरी नंबर है. इसको हम ग्रे नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक्सओर ऑपरेशन मालूम होना चाहिए क्या होता है. अगर जीरो का एक्सओर हम जीरो से करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो. अगर जीरो का एक्सओर हम वन से करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वन. अगर वन का एक्सओर जीरो से करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वन. अगर वन का एक्सओर हम वन से ही करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो. मींस उसका एक्सओर आएगा जीरो. ओके, अब इस बाइनरी नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करें ग्रे नंबर में. तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता था कि ये जो एमएसबी है, ठीक, ये एमएसबी है बाइनरी नंबर की, इसको एज इट इज ही राइट डाउन करना पड़ता था. और फिर जो एमएसबी है और उसके नेक्स्ट जो बिट है, इन दोनों का एक्सोर ऑपरेशन करना पड़ता था. तो वन और जीरो का एक्सोर किसके इक्वल आएगा, वन एंड जीरो के एक्सोर वन के, ठीक है. मीन्स आप ये भी देखिए कि एक्सोर ऑपरेशन हो कैसे रहा है. जब हमारे जो नंबर्स हैं, जो बिट्स हैं, वो डिफरेंट है, जैसे एक जीरो एक वन है, या एक वन है एक जीरो है, तो रिजल्ट वन आ रहा है. अगर सिमिलर बिट्स है, मतलब जीरो जीरो है तो भी जीरो आ रहा है एक्सओर ऑपरेशन, और वन वन है तब भी जीरो आ रहा है एक्सओर ऑपरेशन, ठीक है. ऐसे ही अब हम जीरो और वन का एक्सओर ऑपरेशन करेंगे इन दोनों का, ठीक है. तो इसका, क्योंकि ये डिफरेंट बिट्स हैं, तो इसका एक्सओर ऑपरेशन क्या आएगा, वन. ऐसे ही अब वन और जीरो का करेंगे एक्सओर ऑपरेशन, तो ये किसके इक्वल आएगा, वन के. ऐसे ही अब जीरो एंड वन का करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, वन के एक्सओर ऑपरेशन. अब वन वन का एक्सओर ऑपरेशन करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के. अब फिर वन जीरो का करेंगे एक्सओर ऑपरेशन, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, वन के. अब जीरो एंड वन का एक्सओर ऑपरेशन कर लेते हैं, ये भी वन के इक्वल आएगा. लास्ट में हमें किसका एक्सओर ऑपरेशन करना है, वन एंड वन का, तो वन एंड वन का एक्सओर ऑपरेशन किया, ये जीरो के इक्वल आ गया. तो ये जो नंबर आया है ये ग्रे कोड में नंबर आया है, तो ये ग्रे कोड हो गया इस बाइनरी नंबर का. ओके, नाउ आई विल टेल यू हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और डेसिमल नंबर इनटू ग्रे कोड, ठीक है. फर्स्ट जो हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया, सपोज कि जो हमने लिया 286C, दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर. इसको फर्स्टली हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में. अब सी का जो बाइनरी नंबर होता है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है, तो इसको मतलब हर एक जो इसमें डिजिट है हेक्साडेसिमल डिजिट, वो 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट होगा. मीन सी का 4 बिट बाइनरी नंबर लिखेंगे, 8 का लिखेंगे 4 बिट बाइनरी नंबर, एंड 2 का लिखेंगे. और सी इक्वल्स टू क्या होता है, 12 के इक्वल होता है. 12 मतलब डेसिमल नंबर के इक्वल होता है, और उसका बाइनरी क्या होता है, 110, ठीक. ऐसे 8 का बाइनरी क्या होता है, 100 एंड 0. ऐसे ही 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 0010, ठीक है. मीन्स ये हो गया बाइनरी नंबर इस हेक्साडेसिमल नंबर का, ठीक. अब इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने इसमें किया था, ठीक है. तो इसका, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एमएसबी है वो जीरो है, इसको एज इट इज ही राइट डाउन कर दिया जीरो, ठीक. अब जो है
जीरो और जीरो का जो है एक्सोर ऑपरेशन होगा, तो एक्सोर ऑपरेशन में पता है सिमिलर बिट्स का डिग्री होता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा, यहाँ राइट डाउन कर देंगे। अब जीरो एंड वन का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, डिफरेंट बिट्स हैं इसलिए इसका जो एक्सोर ऑपरेशन आएगा वो वन आएगा। ऐसे ही वन जीरो जो है, फिर हमने नेक्स्ट बिट का एक्सोर ऑपरेशन किया प्रीवियस बिट से, तो वन जीरो का जो एक्सोर ऑपरेशन आएगा वो इक्वल आएगा वन के, क्योंकि ये डिफरेंट बिट्स हैं। ऐसे ही जीरो वन का फिर से हमने एक्सोर ऑपरेशन किया, ये वन के इक्वल आएगा क्योंकि ये डिफरेंट बिट्स हैं। ऐसे हमने अब वन जीरो का एक्सोर ऑपरेशन कर लिया, ये किसके इक्वल आएगा वन के। अब हमने जीरो जीरो का किया, ये सिमिलर बिट्स हैं इससे एक्सोर ऑपरेशन जीरो के इक्वल आएगा। ऐसे ही अब हम जीरो जीरो का फाइंड आउट करेंगे अगेन, तो ये फिर से अगेन जीरो जीरो के इक्वल आएगा। ऐसे जीरो वन का एक्सोर ऑपरेशन किसके इक्वल आएगा वन के, और वन का एक्सोर ऑपरेशन किसके इक्वल आएगा जीरो के, क्योंकि ये सिमिलर बिट्स हैं। ऐसे ही अब वन जीरो का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू वन। लास्टली हमें किसका एक्सोर ऑपरेशन करना पड़ेगा जीरो एंड जीरो का, एंड इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो हो गया 286 का ग्रेड कोड हो गया। ओके अंडरस्टूड। अब जो है हम एक ऑक्टल नंबर लेते हैं, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे ग्रे कोड में। तो सपोज कीजिए हमने ऑक्टल नंबर लिया 1647, दिस इज आर ऑक्टल नंबर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके हर एक डिजिट को हमें पता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसके हर एक डिजिट को हमें 3-बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 का 3-बिट बाइनरी नंबर क्या होता है 1 1 एंड 1, 4 का क्या होता है 1 0 0, 6 का क्या होता है 1 1 0, और 1 का क्या होता है बाइनरी नंबर 0 0 एंड 1। दिस इज द बाइनरी कोड फॉर दिस ऑक्टल नंबर। ओके अंडरस्टूड। अब इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जीरो तो एज इट इज ही राइट डाउन कर देंगे क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इस बाइनरी नंबर का, ठीक। अब जीरो जीरो का एक्सोर ऑपरेशन करते हैं, ठीक, जीरो जीरो का एक्सोर ऑपरेशन जीरो के इक्वल आएगा। ऐसे जीरो वन का एक्सोर ऑपरेशन वन के इक्वल आएगा, वन वन का किसके इक्वल आएगा जीरो के, अगेन वन वन का करेंगे फाइंड आउट ये किसके इक्वल आएगा जीरो के, वन जीरो का एक्सोर ऑपरेशन किसके इक्वल आएगा वन के, ऐसे जीरो वन का एक्सोर ऑपरेशन किसके इक्वल आएगा वन के। अब अगेन 1 0 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1, फिर 0 0 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0, फिर 0 1 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1, अगेन वी हैव टू डू द एक्सोर ऑपरेशन ऑफ 1 एंड 1 इट विल बी इक्वल टू 0, अगेन 1 एंड 1 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, दिस बिकम्स अ ग्रे कोड फॉर 1647 ऑक्टल नंबर, ठीक है। एक डेसिमल नंबर को लेते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमने डेसिमल नंबर 52 लिया, अब इसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्टली बाइनरी में। इसके लिए हम सक्सेसिव डिवीजन का रूल फॉलो करेंगे। नाउ 52 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 26, ठीक है। अगेन इसको 26 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इट विल कम 13, ठीक है। और साइड बाय साइड जो इसका रिमाइंडर भी राइट डाउन करते जाएंगे, जो कि आएगा 0, फिर 0, फिर 2 से अगेन डिवाइड किया 13 को, इट विल कम 6, रिमाइंडर हुआ 1, फिर 2 से फिर डिवाइड किया 6 को, इट विल कम 3 एंड रिमाइंडर बिकम 0, फिर 2 से अगेन डिवाइड किया इट विल कम 1 और इसका रिमाइंडर आया 1, ओके। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो 0 जो है इसका क्वेश्चन आया और 1 जो है इसका रिमाइंडर आया। अब ये जो रिमाइंडर है ये क्या हो गया, ये हो गया बाई नंबर, ठीक है, और MSB हो गई ये, ठीक है। और अब कैसे राइट डाउन करेंगे बाई नंबर को, 1 1 0 1 0 0, ओके। तो ये हो गया बाई नंबर फॉर बाई डेसिमल नंबर 52। अब जो है इस बाई नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो है MSB तो एज इट इज ही राइट डाउन कर देंगे, मीन्स 1 1 1 का एक्सोर ऑपरेशन किया अब इट विज 0,
10 का एक्सोर ऑपरेशन किया इट विल 1, 01 का एक्सोर ऑपरेशन 1, 10 का 1 एंड 00 का 0। ओके ठीक है, इट मीन्स ये ग्रे कोड हो गया फॉर डेसिमल नंबर 52। ठीक है, ओके अंडरस्टूड, थैंक यू।